हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक नया दिन, एक नई वीडियो और एक बिल्कुल नया बट बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट क्राफ्ट आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्टेंसिल तैयार कर लें और कार्डबोर्ड पर बर्ड्स ड्रॉ कर लें, फिर कैंची या कटर की मदद से उन्हें काट लें। अब आपके पास घर में वूल जिन कलर्स में भी अवेलेबल है वो ले लें और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ वूल कार्डबोर्ड के बर्ड्स के ऊपर लपेटना शुरू कर दें। एटलीस्ट 3 से 4 कलर्स यूज करें, इससे बर्ड ज्यादा कलरफुल और बहुत प्यारा लगेगा। वूल का नेक्स्ट कलर यूज करते हुए पिछले वाले वूल के एज पर रख कर लपेटें ताकि वो खुले ना। अब मैं वूल का 3rd कलर यूज़ करने जा रही हूँ। वैसे तो वूल हर घर में होती है, लेकिन अगर आपके पास वूल नहीं तो आप पुराने कपड़े की रस्सियाँ बनाकर भी लपेट सकते हैं या फिर कलर्ड पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ 5 बर्ड्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनके विंग्स और बीक्स तैयार करूंगी। विंग्स और बीक्स के लिए मैंने येलो फेल्ट शीट ली है। आप चाहें तो येलो कार्ड शीट्स या येलो कलर का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ग्लू की मदद से विंग्स और बीक्स चिपकाऊंगी। कुछ बर्ड्स में विंग्स ऊपर की तरफ चिपका लें और कुछ में नीचे की तरफ चिपका लें। आप चाहें तो पेपर से भी आइज बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास बनी हुई अवेलेबल थी तो मैं वही लगाऊंगी। इस बर्ड पर मैं नीचे की तरफ विंग लगाऊंगी। बर्ड्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगे। अब बनाएंगे हम केज। केज के लिए अगेन हमें चाहिए कार्डबोर्ड। पेंसिल की मदद से किसी भी स्टाइल और शेप में एक केज ड्रॉ कर लें। आप देख सकते हैं केज तो मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी कटिंग की बारी है। कटिंग थोड़ा सा टेक्निकल काम है, लेकिन बहुत इजी है। कटर की मदद से एक लाइन को काटते जाएं और एक लाइन को छोड़ते जाएं। यही प्रोसेस तमाम लाइन्स पे रिपीट करें। कटे हुए पीसेस को आराम से पुश करें और निकालते जाएं। बहुत ही आसान और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट है। कुछ भी आपको बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा। तमाम चीजें घर पर इजिली अवेलेबल होती हैं और ये आइडिया आपको कहीं और नहीं मिलेगा। केज तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर ब्लैक पेंट करेंगे। आप चाहें तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद ऐसे तैयार होगा। कैसा लग रहा है ये केज? अब केज की डेकोरेशन के लिए कुछ ड्राई लीव्स चाहिए।
लीव्स के साथ एक फ्लावर तैयार कर लेंगे। आप घर पे पड़ा हुआ कोई भी फ्लावर यूज कर सकते हैं। मैं केज की डेकोरेशन में ड्राई अरेंजमेंट्स यूज कर रही हूँ। आप लोग पेपर फ्लावर्स और पेपर स्ट्रॉज बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक वाली ड्राई स्टिक्स और ड्राई ग्रास भी यूज़ कर सकते हैं।